नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, ये तीनों स्टॉक एक ही ग्रुप को जो है कि बिलोंग करते हैं। ऐसे में सबसे पहला स्टॉक हमारा जोमेटो रहेगा, सेकेंड स्टॉक हमारा इन्फोएज रहेगा दोस्तों, और थर्ड स्टॉक की बात करें तो पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों तीनों कंपनियों की बात करें तो आज के दिन एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हाँ, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इन तीनों कंपनियों में फंसे भी हैं, मतलब जो इन्वेस्टर इन कंपनियों को बाइंग करना चाहते हैं या मतलब कुछ शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स भी होंगे दोस्तों, तो उनसे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारा जोमेटो है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो रिटेस्टर मतलब इस कंपनी में बाइंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग करना चाहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। जो रिटेस्टर फंसे दोस्तों उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आज के दिन देखा है दोस्तों तो कंपनी में 10% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक कई दिनों से आप कह सकते हैं कि तेजी ही दिखा रहा है, जैसा कि अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने 6 महीने में लगभग पैसे को डबल कर दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इसका जो वैल्यूएशन पहले था, मतलब क्या था कि 1,00,000 करोड़ के ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप था, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोस्तों अभी इन कंपनियों का मतलब क्या है दोस्तों, पी है नहीं, मतलब ये कि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रेवेन्यू इनके कैसे दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी के जो अर्निंग्स, मतलब देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के कारण ही स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। अगर आप कंपनी की ईपीएस देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने एस्टिमेशन बीट किया है। हालांकि रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों तो रेवेन्यू और प्रॉफिट सारा कुछ, मतलब जो आप मतलब कह सकते हैं ना, -188 करोड़, 2,000 करोड़ का जो कि रेवेन्यू देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो ईपीएस जो कि माइनस, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी को अभी मतलब एक प्रकार से आप ब्रेक इवन के करीब भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, इन कंपनियों के दिन बदलने का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बता, जो ब्रोकर्स थे पहले इस कंपनी के जो टारगेट्स होते थे दोस्तों उसको जो है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम दिया करते, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो अभी 110 रुपये का जो कि टारगेट दे रहे हैं। जेएम फाइनेंस की बात करें, मतलब सब लोग दोस्तों क्या किए, तो पहले क्या था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 84 रुपये से करके 115 रुपये कर दिया। इसके पहले की बात करें तो 85 रुपये टारगेट दिया था किसने, मॉर्गन स्टैनली दोस्तों। और अभी रिसेंट की अगर हम डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं दोस्तों, बिफोर क्वार्टर वन के पहले लगभग 85 रुपये था और यहाँ पे देखेंगे तो 115 रुपये सबसे हाईएस्ट जिसने मतलब टारगेट दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेफरीज ने दोस्तों इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है लगभग 130 रुपये रखा है। हालांकि दोस्तों इन्होंने पहले से ही देखा है तो 100 के आसपास रखा था। दिन बदलने का मतलब क्या है दोस्तों, दो ही प्लेयर्स अपने को अभी तक आपने सुना था कि दो ही प्लेयर्स मार्केट में है दोस्तों, तो ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी पहले नंबर पे मानी जाती थी दोस्तों, जो कि फूड डिलीवर में। इसके अगर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो कितना 11% जंप देखने को मिले, जो कि 7318 करोड़ आप कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम ब्लैंकेट की बात करें जो कि देखा गया दोस्तों, इसी की आप कह सकते हैं कि एक प्रकार सब्सिडरी अपने को 5% का जो कि जंप देखने को मिला। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी दूध तमाम आप कह सकते हैं ग्रोसरी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, जो कि डिलीवरी से रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है दोस्तों देखा है तो इसका भी 5% के से जो है कि ग्रो हो रहा है, 2140 करोड़ के आसपास देखा गया। हालांकि दोस्तों पूरे मार्केट में अगर पॉजिटिव रहता है तो ऐसे में कुछ नेगेटिव भी आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर हम मैक्योर रिसर्च की बात करें तो इन्होंने मतलब कि कुछ हैवी कट टारगेट किया, जो कि आप देख भी सकते हैं कि लगभग 60 रुपये, मतलब 65 रुपये 60 रुपये के आसपास बता रहे हैं। यहाँ पे भी देखें दोस्तों 55 रुपये, मतलब 55 से 60 रुपये ये भी बता रहे हैं, जो कि देखा जाए दोस्तों मतलब कुछ ऐसा नहीं दोस्तों कि मार्केट में पूरी तरह से जो है कि मतलब पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो देखिए जोमेटो जो भी बाइंग करेगा मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना, शॉर्ट टाइम के बारे में नहीं। कंपनी जो है दोस्तों पहली बार प्रॉफिट में आई थी, ऐसे में इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन रहेगा आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कंपनी का 71% ईयर ऑन ईयर जो कि सेल्स बढ़ते हुए दिख रहा है। वही भी बिड्डा मार्जिन की बात करें, बिड्डा की बात करें तो उसमें भी जो है कि अपने को 84% की तेजी देखने, नेट प्रॉफिट दोस्तों 101% आप देख सकते हैं, मतलब कंपनी प्रॉफिट में आई है। इसके पहले की बात करें तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। हालांकि दोस्तों इसके आने वाले समय में मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एक वॉलेटाइल भी आपके इनके प्रॉफिट या सेल्स में या क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। न्यूज भी देखेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा जो कि फर्स्ट टाइम जो है कंपनी क्वार्टर वन में जो है कि मतलब अपने को प्रॉफिट में दिखाया, जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों यहां पे देख भी सकते हैं कि ब्रोकर्स की बात करें जो कि 60 से और अभी देखा है तो 130 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर इस तेजी को देख करके बाइंग करेंगे, तो इन सभी पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि ये कंपनी एक समय में 150 रुपये की प्राइस पर चल रही थी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लगभग ये कंपनी आप देख सकते हैं कि 50 के नीचे भी ट्रेड किया था, 50 के नीचे ट्रेड करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी 44 रुपये
₹44 के आसपास आई थी। उसके बाद आज के दिन कंपनी ने 52 भी खाई, आप कह सकते हैं कंपनी लगाया। एक्चुअल में ये कंपनी 150, 160, 170 के आसपास भी शायद गई। इस कंपनी की बात करते हैं, ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राइस छोटा और वैल्यूम ज़्यादा। बनने का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें वैल्यूम देखेंगे तो करोड़ों में शेयर्स ट्रेड होते हैं दोस्तों, और जिसमें अगर माल की बात करें तो मात्र 30% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि दोस्तों अगर कंपनी को देखेंगे तो आज के दिन कंपनी ने 52 भी खाई लगाया। एक्चुअल में इस कंपनी का जो लो है 25 जनवरी 2023 में ही कंपनी ने लगाया था। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, अगर दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी इसके गिरने के कम चांस है। हालांकि अगर हम तेजी की बात करें तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 110 के आसपास जा सकता है। अगला स्टॉक हमारा इन्फोइज दोस्तों, जो कि इस कंपनी की सब्सिडरीज है। आप मतलब कह सकते हैं कि ये सबका बाप आप कह सकते हैं Naukri.com। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ये मेन कंपनी है, तो जोमैटो में तेजी आएगी दोस्तों तो इस स्टॉक में भी तेजी रहेगी। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इतना खास मतलब कह सकते हैं कि न्यूज़ देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी कंपनी देखा होते एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो जिस टाइप के आईटी सेक्टर वाली कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिले दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि नौकरी से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है, नौकरी से रिलेटेड इस कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों कंपनी के EPS VPS की बात करें, कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। हाँ, इस कंपनी की खासियत यही है दोस्तों कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके एक साल के चार्ट को देखेंगे ना तो एक साल में कंपनी 13% का रिटर्न बना के दी, और यहाँ पर ये कंपनी लगभग 3500 के आसपास भी आई थी। हालांकि दोस्तों 5 साल में कंपनी जो है कि पैसे को डबल तो कर देती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम लॉकडाउन की बात करें या कोविड की बात करें दोस्तों, तो कोविड में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अपने को गिरावट देखने को नहीं मिली थी। और जॉब से रिलेटेड दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सर्चिंग इंजन आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में देखा जाए तो आज के दिन 7 से 8% की तेजी देखने, मतलब एक पूरा ग्रुप ही हमने आपसे बताया ना, पूरा ग्रुप ही तेजी में था। यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपनी ने आज के दिन 52 भी खाई लगाया है। एक्चुअल में कंपनी जो है कि 6000 के आसपास भी गई थी। वहीं पर लो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3300 के आसपास कंपनी जो है कि रिसेंट में 14 मार्च को भी आई थी। हालांकि दोस्तों वैल्यूम अच्छा खासा बनते हैं, ये कि ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक इसको भी आप मान सकते हैं, जिसमें 30% 20% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया। हालांकि दोस्तों जो रिटेल इन कंपनियों को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से 11 तारीख को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। वही पी 11 को बाद दोस्तों देखा जाए तो 25 तारीख को कंपनी जो है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग करेगी, जो कि AGM कंडक्ट करेगी दोस्तों। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी, मतलब जिसमें हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप अगर डेट देखेंगे तो अपने को अगस्त महीने में ही देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते, देखिए जिनके पास भी पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पे अगर हम इस कंपनी की बात करें, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि 7000 साढ़े 7000 के आसपास से कंपनी गई थी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला लगभग मतलब 50% भी ये कंपनी डाउन हुई थी। तो हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टर ने मतलब टॉप पे बाइंग किया, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, इनके खासियत ये है दोस्तों, मतलब देखिए कभी आने वाले समय, मतलब देखिए एक Naukri.com की बात करें तो हालांकि सेक्टर का लीडर और मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा प्लेयर भी इसको मान सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मार्केट में दोस्तों हर कंपनियों के कंपटीशन अवेलेबल है, तो इस कंपनी का भी जो सबसे बड़ा इस समय मतलब कंपटीशन बन के उभर रहा है दोस्तों, आप एक प्रकार से गूगल को मतलब सबका कंपटीशन मान सकते हैं, जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड वाली कंपनियां देख रहे हैं। जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि तो स्टॉक में गिरावट होती है, तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगर कंपनी के रिजल्ट थोड़े से मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं करते तो ये कंपनी हो सकता है कि 4000 के आसपास भी आ सकती है। हालांकि वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए तो ये कंपनी 6000 से 5500 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा PB फिनटेक है दोस्तों, पॉलिसी बाजार है, जो कि ये भी देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब मार्केट में दोस्तों गेम चेंजर ही आप इसको कह सकते हैं। हालांकि ये सारी कंपनियां देखा जाए, मतलब सारी कंपनियां दोस्तों, एक हम उसकी बात करें तो इन्फोइज की बात करें, Naukri.com की बात करें तो वो प्रॉफिट वाली कंपनी है। लेकिन हाँ, इसकी जितनी सब्सिडरीज है दोस्तों अभी लॉस मेकिंग आप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके PE आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का 788 रुपये जो कि 52 भी खाई दिख रहा है। हालांकि दोस्तों आज के दिन ही कंपनी ने 52 भी खाई लगाया है। एक्चुअल में दोस्तों जो इन्वेस्टर इन कंपनियों को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, लगभग 50% कंपनी डाउन है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो भी इन्वेस्टर इन कंपनियों में पैसा लगाएगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, ना कि शॉर्ट टाइम के बारे में। ऐसे में आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि मतलब यहाँ से अगर हम एग्जिट कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी लगभग पैसे को डबल कर दिया है। मतलब आने वाले समय में दोस्तों इसका जो लो है आप देख सकते हैं कि 300 साढ़े 300 रुपये की प्राइस पर ये कंपनी चल रही थी, उसके बाद रिसेंट की सारी तेज़ी
देखने को मिल रही है। जैसा कि आप अगर कंपनी के परफॉर्मेंस भी देखें दोस्तों, देखिए इन कंपनियों में निवेश क्यों हो रहा है, इन कंपनियों को जो सेल्स है दोस्तों, रेवेन्यू है, वो अपने को बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण लोग मतलब इन्वेस्टर है दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं, तो वो जो है कि निवेश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ कंपनी आज भी माइनस में है। ईपीएस भी देखेंगे दोस्तों माइनस में, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी का माइनस में ही देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो 8 अगस्त को जो है कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, मतलब देखिए ईपीएस अभी, हालांकि देखिए इनके जो रेवेन्यू होते हैं दोस्तों, रेवेन्यू में ही सारा एक्सपेक्टेशन रहता है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है 714 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, जो कि यही एक पॉजिटिव में रहता है। उसके बाद बाकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें, सबकी बात करें तो अपने को माइनस में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इसके पहले क्वार्टर की बात करें जो कि 850-900 करोड़ आया था कंपनी का, लेकिन हाँ इस बार कैसा होता है दोस्तों वो आने वाला समय ही बताए। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो इन्वेस्टर इन कंपनियों को बाइंग करना चाहते हैं। देखिए ऐसे मतलब क्या है कि इन्वेस्टर की बात करें या आज तेजी आ गई तो इसको देख करके आप बाइंग करेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों, ये सभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हाँ इन्फोएज की बात करें तो जो इन्वेस्टर उस कंपनी में निवेश करेगा, लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, क्योंकि दोस्तों उस कंपनी के अंतर्गत देखा है तो बहुत सारी कंपनियां, ऐसा आपको जो फ्रंट में अभी 3-4 कंपनियां देखने को मिल रही, ऐसा नहीं दोस्तों उसके अंदर बहुत मतलब जीवनसाथी.com और तमाम आप कह सकते हैं शिक्षा.com तमाम उस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे में उनके पास बहुत सारे रेवेन्यू आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की बात करते, इस कंपनी में अगर गिरावट होती दोस्तों तो मतलब देखिए मेरे पॉइंट से हम जबरदस्त तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय मार्केट भी फुल टॉप पे है और कई सारे स्टॉक जो है कि बाउंड बिकाई ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो इस समय बुल रन है, तो इसके गिरावट के चांस कुछ कम है। हालांकि गिरता है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 500 रुपये के आसपास आ सकती है, वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू दोस्तों।